हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लर्क जॉब्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर्स। मतलब अगर आपने 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली है और किसी कारण आप आगे की पढ़ाई नहीं भी कर सकते तो भी आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है। तो कहाँ कहाँ पर ये क्लर्क की जॉब्स अवेलेबल होती है, इस बारे में हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। आगे जाने से पहले, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमारी जॉब है साउथ SSC केंद्र में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन साउथ केंद्र। नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 334। क्लर्क की जॉब अवेलेबल होती है, क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। सैलरी की बात करें तो 15,000 to 20,000 सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है। इस गवर्नमेंट जॉब में ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 12। सैलरी 10,000 to 15,000 सैलरी आपको मिल सकती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 350 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है। कॉयर बोर्ड, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है विभाग की, तो वहां पर जाकर आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 10,000 to 15,000 सैलरी आपको मिल सकती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। इस गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले रिटन टेस्ट होगी और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 300 रुपीज। नेक्स्ट विभाग का नाम है HPSSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। वहां पर भी क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। तो 12वीं में अगर 60% मार्क्स आपको है तो आप जरूर इस विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है कैंडिडेट की वो 21 होना जरूरी है और मैक्सिमम 30 होना जरूरी है। सैलरी 15,000 to 30,000 सैलरी आपको मिल सकती है। HPSSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए www.hpssb.ac.in ये वेबसाइट पर ही जाना है। वहां पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 650 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट अवेलेबल है उत्तरी गोवा कोर्ट में, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो कैंडिडेट की एज है वो 21 साल से कम होना भी जरूरी है। सैलरी 10,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। इस गवर्नमेंट जॉब में रिटन टेस्ट, 2 रिटन टेस्ट होगी, प्रीलियम होगी और फिर फाइनल टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 650 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट विभाग का नाम है जाट रेजिमेंटल सेंटर, वहां पर भी क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं के बाद अगर आप किसी कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी की बात करें तो 10,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है कैंडिडेट की वो 21 साल होना जरूरी है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज और SC ST कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो गाइज, इस पोस्ट पर अगर आपको अप्लाई करना है तो जैसे जाट रेजिमेंटल सेंटर है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। तो बहुत सारे हमने विभाग देखे जहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। बहुत सारे बैंक्स भी होते हैं, जैसे IBPS है, वहां पर भी क्लर्क की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो अब हम बात करेंगे IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में। एज लिमिट, मिनिमम कैंडिडेट की जो एज है वो 21 होना जरूरी है और मैक्सिमम 30 होना जरूरी है। 12वीं के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड होगा इसके लिए भी 1 ईयर का और उसके बाद सबसे पहले रिटन एग्जाम होगी और फिर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार
कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, फिर ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा एक साल के लिए। सैलरी की बात करें तो 10,000 to 15,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है और ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रबंधक, प्रबंधक सहायक की पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं 12वीं के बाद। अब हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल होती है क्लर्क के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल में, नेम ऑफ द पोस्ट GDS, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल 4,264, यूपी में जॉब लोकेशन होगा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में आपको जॉब मिल सकती है। पोस्ट का नाम है GDS, सैलरी 15,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। इस गवर्नमेंट जॉब में रिटर्न टेस्ट के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर पोस्टिंग जो है वो GDS पर होगी। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड पोस्ट सर्कल के बारे में, नेम ऑफ द पोस्ट GDS, नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल 6,334, बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल होती है क्लर्क के लिए, तो आप 12वीं के बाद जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है कैंडिडेट की वो 21 होना जरूरी है। सैलरी 10,000 to 15,000 तक सैलरी आपको मिल सकती है, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज बहुत सारी हमने क्लर्क के लिए जॉब्स देखे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्लर्क का क्या काम होता है, मतलब 12वीं के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या काम होता है क्लर्क का? तो सबसे पहले ये कि फाइल कॉपी करना, फाइल का रखरखाव करने का काम भी जो है वो क्लर्क का होता है। तो क्लर्क कैसे बने और क्लर्क का क्या काम होता है, इससे रिलेटेड वीडियो डिटेल में इंफॉर्मेशन मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि फाइल कॉपी करना, उसके बाद जो कस्टमर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करना, उनके जो डाउट्स है वो क्लियर करना, वो फ़ोन कॉल थ्रू भी हो सकता है या ईमेल थ्रू भी हो सकता है। तो ये सारा काम फाइल रखरखाव, मतलब मेंटेन रखने का, जो भी डेली रिपोर्ट है वो ब्रांच मैनेजर को देने का काम ये क्लर्क का हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं 12वीं के बाद क्लर्क बनने का, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर्स में, बैंकिंग में भी होते हैं और कई जगह पर, मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में भी होते हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन से क्लर्क के जॉब्स होते हैं, तो सबसे पहले पोस्टिंग होती है क्लर्क के नाम पर, उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है, अपर डिवीजन क्लर्क है, हेड क्लर्क है, सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, तो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होती है क्लर्क के लिए और साथ ही साथ सैलरी भी अच्छी मिलती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी, प्रमोशन भी होता है, अगर सीनियर के ऊपर भी डिपेंड होता है, या अगर एग्जाम्स देते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, तो 5 साल के बाद आपका प्रमोशन भी हो सकता है और सैलरी भी बढ़ सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी है ही, आसानी से आपको जॉब से नहीं निकाल सकता है कोई, तो आप सोच सकते हैं। उसके बाद बेसिक सैलरी तो मिलेगी ही और साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस, DNS अलाउंस, ट्रैफिक अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग हो रहा है तो वो भी अलाउंस आपको मिल सकता है। लंच तो फ्री में मिलेगा ही और साथ ही साथ आपको और आपके परिवार के सदस्यों के लिए मुफ्त में अस्पताल में सुविधाएं भी मिलेगी। तो कई सारी सुविधाएं आपको मिल सकती है इस जॉब के लिए, तो आप ज़रूर सोच सकते हैं। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।